इस तरह से हमारी चाउमीन इस तरह से खिली खिली बनी है, और ये देखिए, और ये बिल्कुल बाजार जैसी और ढाबे वाली बनी है। नमस्कार दोस्तों, कुकी किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको वेज चाउमीन सिखाऊंगी, जो कि आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और ये चाउमीन को हमने इसमें सबसे पहले हमने पानी लेकर इसको उबाल लिया है, और इसमें नमक और सरसों का तेल 2 चम्मच डालकर हमने पानी में बॉईल कर लिया है। जब बॉईल आ जाए तो 5 मिनट ही इसको बॉईल करना है, फिर इसको एक चलनी में लेकर इसको डाल लेंगे, और फिर पानी सारा निकाल कर और उसको ठंडा होने देंगे। फिर उसमें ठंडे पानी से हम धोकर इसको चलनी में इस तरह से फैला लेंगे, और हमने इसको बाउल में डाल लिया। वेज चाउमीन के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमने गाजर लिया है, एक गाजर को लंबा लंबा काट लिया है, और ये है शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च है, इसको भी हमने लंबे लंबे पीसेस काट लिए। ये है हरी हरी प्याज, जो कि हमने उसके हरी प्याज के नीचे का हिस्सा अलग काट लिया है, और ये है प्याज के ऊपर का वाइट हिस्सा, इसको हमने अलग काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ये प्याज है, ये प्याज इस तरह से हमने लंबी लंबी काट ली है और उनको खोल लिया है। ये है बीन्स, बीन्स को भी हमने टेढ़ी शेप में इसको काट लिया है, जो कि इस तरह से टेढ़ी शेप में काट लिया है। ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, मतलब बारीक बारीक काट ली है, और थोड़ा सा हमने घर में बना हुआ अदरक का पेस्ट और प्याज और अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना रखा है, और हमने आधा नींबू लिया। और ये है पत्ता गोभी, इसको हमने लंबी लंबी काट लिए। कढ़ाई को चढ़ा दिया है, फिर और इसमें हम 3 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहे तो कोई सा भी डाल सकते हैं जो आप खाते हो। अब हम इसमें तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल का रंग थोड़ा काला, मतलब जल चुका है तेल, जिससे कि स्मेल ना आए, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का बारीक कटा हुआ पेस्ट डाल देंगे, और अब इसको हम चलाएंगे। अब लहसुन हमारा सिक चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम हल्का हल्का इसको भून लेंगे। अब इसमें सिक चुका है, अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है, और इस प्याज को हल्का हल्का इसको भून लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाए हल्की सी, तब हम इसमें बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी इसी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम शिमला मिर्च लेंगे, इसमें शिमला मिर्च डाल दिए, और इसको भी सोते कर लेंगे। फिर हम इसमें गाजर लेंगे, ये भी लंबी लंबी कटी हुई है, इसे आप चॉप से भी काट सकते हो और हाथ से भी काट सकते हो। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना, इनको हल्का सा क्रिस्पी ही रखना है, जो हल्के से सोते हो जाए। ये हमारी पत्ता गोभी है, इसको भी हमने लंबा लंबा काट लिया है, अब इसको भी डाल देंगे, और इसको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और इनको हिलाते रहेंगे, जैसे कि नीचे ना चिपके। ये हम इसमें ये सफ़ेद ओनियन जो हरी प्याज आती है उसके ऊपर का हिस्सा डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ा सा हरी प्याज जो इसके नीचे का हिस्सा होता है वो भी डाल दिया है, और इसको इस तरह से सोते कर लेंगे। सब्जियां हमारी मतलब क्रिस्पी और पक चुकी हैं, और इसको इस तरह से हिलाएंगे। हम ग्रीन चिल्ली सॉस ले लेंगे, ये हम 2 चम्मच डालेंगे। यदि आप ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हो तो 2 चम्मच डाल लो, नहीं तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच चिल्ली सॉस डाल दी है, ये वाइट सिरका है, ये भी हम 2 चम्मच डाल देंगे। ये चाउमीन के हिसाब से इसकी क्वांटिटी डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे।
ये हमारे पास रेड चिली सॉस है, इसकी भी हम एक चम्मच डाल देंगे। फिर हम एक चम्मच रेड, ये सॉस है, एक चम्मच रेड सॉस डाल दें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें नमक डालेंगे, ये आधी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि आधी चम्मच मैंने उसमें चाउमीन में उबालते टाइम डाल दिया था। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, ये भी आधी चम्मच डालेंगे। ये चाउमीन हमने उबाल ली है, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के फिर हमने इसको छान के और ठंडा पानी डालकर इसको इस चलनी में डाल दिया, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। अब हम इसमें चाउमीन डालेंगे, ये खुली खुली चाउमीन, और इसको दो फोक लेकर इस चाउमीन को ऊपर नीचे मसाले में मिक्स करेंगे। इस तरह से ये चाउमीन हमारी मिल जाएगी। इनको हम इस तरह से मिला दी है और ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, यदि नमक कम हो तो नमक, और सॉस वगैरह कुछ कम लगे तो आप और डाल लीजिए। और इस तरह से हमारी चाउमीन तैयार है। चाउमीन हमारी तैयार है और हमने इसको बाउल में सर्व कर लिया है, और ये बिल्कुल बाजार जैसी चाउमीन बनी है, और एक एक इसका दाना खिला हुआ है। और अब इस तरह से हम इसको गार्निशिंग करेंगे। इसके लिए हम हरी प्याज को, जो हरा हिस्सा होता है, वो इसको लेकर हम गार्निशिंग कर देंगे, जिससे कि हमारी चाउमीन में और कलर आ जाएगा। और इस तरह से हम थोड़ी सी वाइट प्याज भी डाल देंगे। ये हमारी चाउमीन तैयार है, बिल्कुल बाजार में मिलने वाली चाउमीन है। इस तरह से हमारी चाउमीन इस तरह से खिली खिली बनी है, और ये देखिए, और ये बिल्कुल बाजार जैसी और ढाबे वाली बनी है, और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।